हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हैप्पी जन्माष्टमी। आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी रात को तो पूजा होगा। तो आगे मैं क्या क्या करूंगी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चलिए बने रहिए वीडियो पर। पहले मैं भगवान जी को पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे। चलिए, तो नहाने के बाद ही मैं चावल चढ़ाने के लिए जो किचन में घुस गई। बेटी ने बैठा दी थी आलू, और आगे सुनिएगा। भगवान 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 है, सही हो गया, अच्छा लगा मुझे। आज ना बेटी ने सब कुछ करी है। क्या हुआ मैं बताती हूँ। कल रात हम रात को डिनर कर रहे थे, कल से ही वो डिसाइड कर रही है। कल तो आपका उपवास है, जन्माष्टमी है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या क्या करूंगी वही करूंगी। दाल बनाऊंगी और आलू भरता बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। क्या बात है यार, क्या बात है, मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई कब से मुझे पता नहीं क्यों क्यों। तो आज मैं बनाऊंगी, दूध मंगाई हूँ, ज्यादा दूध मंगाई हूँ। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोप से आने के बाद मैं बनाऊंगी। अभी नहीं, अभी नहीं, बस अभी नहीं, अभी नहीं ना। हाँ हाँ, बताओ। खिरोड़ा अर्घा करो ही जाने आ रहे। खिरोड़ा वो कभी नहीं। जब तक वो आलू वगैरह छिल रही थी छिलका, मैं तब तक कपड़े सुखाने के लिए गई। और आज किचन में मैं कुछ नहीं करी, वो ही सब कुछ करी है। उसके बाद मैं थोड़ा बाल को बना रही थी, गीला था ना, इसीलिए थोड़ा बाल को बना रही थी। और तो चलिए, पेंटिंग सेंटिंग तो हो गई, बाल को धो दी। आज तो बेटी कर रही है, तो मैं बेडशीट वगैरह मैं लगाती हूँ दूसरे रूम में। तो मैं ये रूम का बेडशीट भी लगा रही थी। ये मतलब बीच बीच में ऐसा करना ही पड़ता है, सारे रूम को इधर उधर का काम करना पड़ता है। बेटी तो आज बना रही है खाना, चावल दाल और आलू भरता बनाएगी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। मुझे बोल रही है मैं बनाऊंगी, आप मत आओ। तो ठीक है भाई, तुम ही बना लो। तो वो बना रही थी, तो मैं ये दूसरा काम वाला, ये वाला काम मैं कर रही थी। और मतलब एक दिन भी झाड़ झूड़ करके नहीं रखोगे ना, मतलब धूल मिट्टी होता है। इसीलिए मैं जो दूसरे रूम की जो बेड को झाड़, बेडशीट को झाड़ रही थी, और डाइनिंग टेबल की जो टेबल में भी इधर उधर पड़ा हुआ था, फैला हुआ था सामान, तो उसको भी समेट रही थी। और ये बेडरूम का जो बेडशीट को भी लगा रही थी। तो बेटी नहाने के लिए जा रही थी, तो वो बोली चावल को आप उतार देना, मैं तो दाल और तो बना दी। आज सुबह से ही मेरा सर घूम रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए मेरा नेल पेंट, ये देखिए मेरा, ये मेरा मेहंदी, ये मेरा मेहंदी, और ये देखिए कैसा लग रहा है मेहंदी मेहंदी। तो कलाकंद बनाने के दूध बैठा दी हूँ, और इधर भी दूध आधा लीटर बैठी हूँ। तो ये देखिए हैंकी है, जो हमारा टर्किश टाइप का हैंकी है, देख लीजिए क्या। इसको मैं गीला करी हूँ, गीला। आज तो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के दिन भी मेरा पेट खराब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं किसी की, शायद किसी की वीडियो में मैं देखी थी कि आप गीला कपड़ा धो दोगे तो कोई भी फास्टिंग करोगे तो आपको भूख भी बिल्कुल नहीं लगेगा और प्यास भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ ना, ये कपड़े को गीला कर दी हूँ, और मेरा हैंकी टॉक भी हो जाएगा, हैंकी टॉक भी हो जाएगा। तो मैं इसे पेट दे रही हूँ, देख लीजिए इधर, इधर मैं दे दी हूँ। ऐसे में गीला कपड़ा रख दूंगी बस।
मैं आज कलाकंद बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ होता कि नहीं। पहले दूध को फाड़ूंगी, छेना करूँगी, उसके बाद मैं करती हूँ, देखिएगा कैसे करती हूँ। तो ये एक लीटर दूध में बैठा दी हूँ एक साइड, और ये देखिए मेरा पेट गर्म हो रहा था, ऊपर से फास्टिंग था तो मैं पेट में गीला कपड़ा दे दी हूँ, तो सच में आज बहुत ही मैजिक टाइप का काम करा। तो ये देखिए विनेगार है, मैं दूध को फाड़ने के लिए विनेगार 2 चम्मच दे दी हूँ, और एक तरफ एक कढ़ाई में दूध 1/2 लीटर दी हूँ, उसको जो थोड़ा कम हो जाएगा, राबड़ी जैसा हो जाएगा, उसमें बनाऊँगी, आगे देख लीजिए। तो दूध को भी फाड़ दी हूँ 2-3 चम्मच से ही फट गया, तो इसको मैं छान के उसको क्या करूँगी देखिए आगे। तो उसको तो जो अच्छी तरह से मैं धो दी थी चना को, उसके मैश कर रही हूँ, हाथ से मैश करती हूँ एकदम से। उसके बाद ये भी देखिए दूध भी मतलब धीरे धीरे से कम हो रहा था, राबड़ी जैसा हो रहा था, तो राबड़ी जैसा होना भी चाहिए। तो ये देखिए उसको मास्क करके रखी हूँ जो हमारा छेना को, तो उसको मैं इसके ऊपर डालूँगी, और जो दूध को जब थोड़ा कम हो गया ना, ये मलाई मतलब राबड़ी टाइप का जब हो जाएगा, तब तो उसके ऊपर जो छेने को मैं मास्क करके रखी थी उसको मैं दे दी हूँ। और पहले तो क्या करना, जो दूध था जो शरीर उसको मैं नहीं दिखा पाई था, लेकिन उसको मैं नहीं दिखा पाई। दूध में ना मैं चीनी 2 चम्मच दे दिया, बड़ा चम्मच में दे दिया, तो थोड़ा सा मीठा होगा। उसके बाद ये छेना को मैं दे दी हूँ, तो उसका क्लिप शायद है मैं, लेकिन नहीं दे पाई मैं। तो धीरे धीरे से वो सारे दूध और छेना एक जगह ही में मेल्ट हो गया। उसके बाद मैं देखिए गैस को भी ऑफ कर दी हूँ, और ये एक कांच बाउल है, कांच बाउल के ऊपर उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी और एक साइड में रख दूँगी। ये तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या 2-3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी होगा और थोड़ा सा टाइट होगा, थोड़ा सा। तो उसको मैं क्या करी ना, जो फ्रिज में रख दी हूँ, और फ्रिज में रखने जो सबसे आने के बाद ही करी हूँ। ये देखिए फ्रिज में रख दी हूँ, फ्रिज में ठंड होने के लिए छोड़ दी हूँ, देखती हूँ कैसे होता है, पहली बार करी हूँ। तो ये देखिए फ्रिज में रख दी, तो थोड़ा सा हुआ, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट भी हुआ था, और मैं भगवान जी को भोग भी लगाने के लिए काट के रख रही थी, और ये ना थोड़ा फ्रिज में रख दी तो थोड़ा सा टाइट जैसा लग रहा था, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट भी था। तो ये 2 पीस मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए ली हूँ, और ये देखिए कैसे बना है, बहुत अच्छा लग रहा था, बना है अच्छा ही बना था, और भोग भी लगा दी थी घर में, भी पूजा वगैरह भी कर रही थी। और शाम को रात को मैं जा रही थी, मेरे नज़दीक में एक मंदिर है, मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। मेरे थाल में नारियल नहीं था ना, नारियल बाद में हस्बैंड लाकर दिए हैं, तो मैं उसको लेकर जा रही थी, ब्राह्मण आने वाले थे ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, थोड़ा सा जल्दी ही कर दिए हैं, क्या हुआ ना आजकल ब्राह्मण भी इधर उधर जाएंगे, सबके घर पूजा करेंगे ना, इसीलिए हम वो बोले ना जल्दी से आ जाओ, तो हम 7:30-8 बजे से गए, तो 1-1.5 घंटा हो गया, तो हमने जल्दी ही चली गई, हस्बैंड बाद में नारियल लाकर मुझे दिए हैं। तो ये देखिए मंदिर पहुंच गई, लेकिन ब्राह्मण आए थे तो लोग भी नहीं आए थे, देखिए तो ये पूजा हो रहा था, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्म का जो कथा है वो पढ़ रहे थे बुक, जो वही को पढ़ रहे थे ब्राह्मण ने। ये देखिए पूजा वगैरह सारे हो गया था, हम दीप वगैरह होम भी किए थे, और उसके बाद ब्राह्मण ने जो राधा कृष्ण जी के पास जाकर नारियल वगैरह भोग लगाए, तो ये देखिए सारे पूजा वगैरह ख़त्म हो गया। देखिए पूजा करके मैं आ गई, पूजा ख़त्म हो गया। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।